तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग डिस्कस करने जाते हैं हर्नेस्ट हेमिंग्वे का एक बहुत ही फेमस नॉवेल द ओल्ड मैन एंड द सी के बारे में। दोस्तों द ओल्ड मैन एंड द सी ये एक तरीके से ऐसी नॉवेल है दोस्तों जो कि बहुत ही सिंपल और इजी है। इसमें जो भी करेक्टर्स हैं वो आपको बहुत ही ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे और इस नॉवेल के लिए दोस्तों पुलित्जर प्राइज भी हर्नेस्ट हेमिंग्वे को मिला था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जो भी पूरी नॉवेल होती है उसको सही से अच्छे तरीके से जितना अच्छे से हो सकेगा उतने अच्छे से डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ में जो यहाँ पर मैंने जो भी समरी इसका जो भी नोट बनाया हुआ है जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है वो इतना ज़्यादा सिंपल है कि अगर आप चाहें तो इसको अपने लॉन्ग क्वेश्चंस में भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो इसका जो भी पीडीएफ है वो भी लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अगर आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं जाकर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है कि ये जो नॉवेल है द ओल्ड मैन एंड द सी एक तरीके की नॉवेल है जो कि अमेरिकन ऑथर हर्नेस्ट हेमिंग्वे के द्वारा लिखी गई है। 1951 में इसको लिखा गया है, ये आपको जरूर ध्यान रखना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव अगर आपके क्वेश्चन आते हैं तो आपको इस तरीके से जो भी आंसर्स होते हैं वो देने पड़ सकते हैं। तो 1951 में इसको लिखा गया है और इसको पब्लिश करवाया गया है 1952 में, और इसके साथ ही साथ में जो 1953 में इसको पुलित्जर प्राइज से अवार्ड भी दिया गया इसको इस पूरी नॉवेल के नॉवेल के लिए हर्नेस्ट हेमिंग्वे को इसकी पूरी पूरी जो भी नॉवेल है इसके लिए हर्नेस्ट हेमिंग्वे को पुलित्जर प्राइज का अवार्ड भी मिला है 1953 में। ठीक है, तो पुलित्जर प्राइज़ क्या होता है ये दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया, जो पुलित्जर प्राइज़ होते हैं वो ऐसे प्राइज़ होते हैं जो कि अमेरिका की कंट्री की तरफ से दिए जाते हैं। अमेरिका कंट्री की तरफ से जो वहाँ पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी है वहाँ पर उस तरफ से दिए जाते हैं और लिटरेचर और साथ ही साथ में म्यूजिकल कंपोजिशन के फील्ड में ही दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है ये कब इसको लिखा गया था, 1951 में लिखा गया, पब्लिश जो है 1952 में, और साथ ही साथ में इसको पुलित्जर प्राइज कब मिला 1953 में। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद में देखिए क्या लिखा है कि इस पूरे जो भी नॉवेल है उसकी थीम क्या है। दोस्तों इसमें जो भी थीम का यूज हुआ है वो डिटर्मिनेशन डिटरमाइन, मतलब कि जैसे कि अगर पूरे बात करें तो कि डिटर्मिनेशन मतलब कि जो दृढ़ इच्छा शक्ति होती है ना, कि हमको किसी चीज को जब पाना होता है तो हम उसको बिना लिए बिना नहीं मानते। तो इस तरीके से जो भी डिटर्मिनेशन है इसका यहाँ पर उसकी पूरी थीम रखी गई है और नेवर गिविंग रखती है, मतलब हमको जिस भी जो भी हमारे मन में चल रहा हो जिस भी चीज की हमें चाह हो उसको हमें छोड़ना नहीं चाहिए, बीच में ही नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये जो थीम है ये क्या है, एक तरीके से यूनिवर्सल थीम है। और अगर इस पूरे टाइटल की बात करें जो भी नॉवेल का टाइटल है द ओल्ड मैन एंड द सी, तो यहां पर हमको पता ही चल रहा है द ओल्ड मैन मतलब कि एक ओल्ड मैन बूढ़े आदमी की कहानी है और साथ ही साथ में सी की कहानी है मतलब कि जो समुद्र होता है उसकी कहानी है। तो यहां पर जो भी यहां पर बताया गया है कि जो इन दिस नॉवेला द सी एज अ सिंबल फॉर द होल ऑफ नेचर, मतलब कि जो सी है समुद्र है वो एक तरीके से क्या है, नेचर का ही फॉर्म है। तो जो सी है उसको एक तरीके से नेचर के फॉर्म में रखा गया। ठीक है, तो आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि जो कहानी की स्टार्ट करते हैं जो स्टोरी है इसकी स्टार्टिंग करते हैं, तो जो जिस ओल्ड मैन की बात करी गई है इस पूरे नॉवेल में उसका नाम दोस्तों यहां पर मैं आप लोगों को बता देता हूं, इसको हाईलाइट कर देता हूं जिससे कि आपको ध्यान रहे। जिस ओल्ड मैन की बात करी गई है उसका दोस्तों यहां पर नाम है, ये लिखा हुआ है सैंटीगो, यहां पर इसको हाईलाइट कर देता हूं। सैंटीगो इस पूरे प्ले के प्रोटैगनिस्ट का नाम है, सॉरी प्ले का मतलब जो भी नॉवेल है उसको उसके पूरे प्रोटैगनिस्ट का नाम है जो सैंटीगो है। ये एक बूढ़ा आदमी है जो कि अब काफ़ी ज़्यादा बूढ़ा हो चुका है, एक बूढ़ा फिशरमैन है, ओल्ड फिशरमैन है, जो कि एक समय में जब तक अपने इसके जवानी के दिन थे तब तक तो ये काफ़ी सारी खूब सारी मछलियाँ पकड़ता था, बट अभी ये क्या हो चुका है, बूढ़ा हो चुका है। तो लास्ट के 84 डेज से इसने कोई भी मछली को पकड़ ही नहीं पाया है। तो इसका जो भी फिशरमैन की सोसाइटी होती है ना, तो उसमें अपने ही सोसाइटी में इसकी काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती हो रही है और काफ़ी सारे लोग इसका मजाक भी उड़ा रहे हैं कि किस तरीके से ये जो बूढ़ा आदमी है वो अब तो एक भी मछली को नहीं पकड़ पा रहा है 84 डेज से। तो ये जो बूढ़ा आदमी इस चीज़ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है, और इसके साथ ही साथ में जो सैंटीगो है उसके पास में कुछ एक जैसे ट्रेनर एक तरीके से ट्रेनर भी है, तो उसके साथ उसके पास में एक मैनोलिन यहाँ पर नाम का एक लड़का आता है जो कि मछलियाँ पकड़ने को सीखने के लिए आता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका नाम को भी हाईलाइट कर देता हूँ, जो दूसरा करेक्टर है पूरी नॉवल का। तो मैनोलिन है जो दोस्तों वो एक तरीके से इसका स्टूडेंट है, समझ लो कि एक तरीके से सैंटीगो जो है इसका ट्रेनर है और मैनोलिन का, और ये इसके पास में आता है केवल मछलियां पकड़ने के लिए सीखने के लिए। तो जो सैंटीगो है वो खुद ही तो 84 डेज दिन से मछलियां नहीं पकड़
पा रहा, तो ये क्या मैनोलिन को सिखाएगा? इस चीज को सोच करके जो इसके पेरेंट्स होते हैं, मैनोलिन के पेरेंट्स होते हैं, क्योंकि एक छोटा बच्चा है, तो इसके पेरेंट्स जो होते हैं वो क्या कर देते हैं, फोर्स्ड कर देते हैं कि टू लीव द ओल्ड मैन, मतलब कि इस ट्रेनर को छोड़ दो और किसी दूसरे अच्छे ट्रेनर को पकड़ लो, जिससे कि तुम एटलीस्ट कुछ सीख पाओ अपने जीवन में, ठीक है। जो लेकिन मैनोलिन है, ये इस बूढ़े आदमी को छोड़ना नहीं चाहता, वो सेंटिगो से कहीं ना कहीं इसका पर्सनल अटैचमेंट भी हो चुका है, और वो ये चाहता है कि सेंटिगो के साथ में ही वो मछलियाँ पकड़ना सीखे, भले ही वो आज बूढ़ा हो चुका है लेकिन उसके पास में एक्सपीरियंस की कमी नहीं है। तो मैनोलिन भी है, वो भी काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ से इंस्पायर होता है और वो सेंटिगो के साथ में ही चाहता है, बट जो उसके पेरेंट्स होते हैं उस चीज पर फोर्स कर देते हैं, तो उसको होना ही पड़ता है, उसको सेंटिगो से अलग होना ही पड़ता है और किसी दूसरे ट्रेनर के पास में जाना पड़ता है। फिलहाल जो कुछ भी हो, अभी तो ये दूसरे ट्रेनर के पास में है, लेकिन अपना रात में काम खत्म करके क्या करता है, जो कॉन्टिन्यू अब जो सेंटिगो है उसकी देखभाल करना, उसकी केयर करना कॉन्टिन्यू रखता है। यहाँ पर क्या लिखा है कि स्टिल द बॉय कॉन्टिन्यू टू केयर फॉर द ओल्ड मैन अपॉन हिज रिटर्न एवरी नाइट, और साथ ही साथ में हर एक रात को वो सेंटिगो से मिलने के लिए जरूर जाता था उसके झोपड़ी में, और ही ऑलवेज हेल्प द ओल्ड मैन फॉर हिज नीड फॉर द फूड एंड क्लोथ्स एक्सेट्रा, क्योंकि यहाँ पर जो सेंटिगो है उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, तो जो मैनोलिन है वो उस सेंटिगो की कुछ ना कुछ हेल्प किया ही करता है, चाहे वो कपड़े देता हो आकर के, चाहे वो फूड देता हो आकर के, तो इस तरीके से वो सेंटिगो की काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया करता है। तो एक दिन होता क्या है, 85th डे जब होता है, तो जो सेंटिगो होता है उसके मन में कहीं ना कहीं एकदम से वो खड़ा होता है जैसे ही दिन चढ़ता है, और वो अपने मन में कहीं ना कहीं एक तरीके से प्रॉमिस कर लेता है कि आज तो मुझे एक मछली पकड़े बिना घर वापस लौटना ही नहीं, मतलब कि आज जब शाम को आऊँगा तो मछली को पकड़ करके ही आऊँगा, अदरवाइज मैं नहीं आऊँगा। इस तरीके से वो अपने मन में ही इस चीज़ को लेकर के प्रॉमिस कर लेता है, और वो अपनी जो एक उसकी छोटी नाव होती है, यहाँ पर जो स्किफ है, स्किफ का मतलब दोस्तों समझते हैं, स्किफ एक तरीके से छोटी नाव होती है, वो उसको अपनी जो टूटी फूटी उसकी जो नाव होती है वो उसको सी की तरफ क्या करता है, उसको उस साइड में कर लेता है, और समुद्र के बीचों बीच में जाकर के वो मछली पकड़ने का वेट करने लगता है और अपने जाल को बिछा देता है। तभी सडनली होता क्या है दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि एट नून, दोपहर का समय है, और दोपहर के समय सडनली होता क्या है कि एक बड़ी मछली होती है उसके नेट में आकर के फंस जाती है। अब ये जो दोस्तों जो बड़ी मछली है, ये छोटी मोटी बड़ी मछली नहीं है, ये बड़ी मछली का मतलब बहुत बड़ी मछली है, और इस जो मछली का नाम है वो है मादलिन। यहाँ पर मैं आप लोगों को इसका जो नाम है वो भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो मादलिन मछली है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है, अगर आप चाहें तो इसको इंटरनेट वगैरह पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो जो मादलिन मछली है इतनी ज़्यादा बड़ी है कि अगर ये खुद चाहे तो ये लोग क्या इसको खाएंगे, खुद ही ये लोगों को खा जाए। लेकिन जो सेंटिगो है, अब उसके जाल में तो ये आकर के फंस चुकी है, अब ये क्या करता है, जो सेंटिगो होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है कि चलो उसके जाल में एक बड़ी सी मछली फंस गई है। लेकिन अब एक उसके सामने प्रॉब्लम ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा बूढ़ा है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बूढ़ा है और इसको अनेबल है, अनेबल टू पुल इट इन, मतलब कि जो बूढ़ा आदमी है सेंटिगो है वो इसको अपनी नाव में अकेले नहीं ला सकता। तो ये क्या करता है कि जो वो बहुत ही कोशिश करता है कि किसी तरीके से, लेकिन फिर भी बहुत कोशिश करता है कि किसी तरीके से मछली को ऊपर चढ़ा लिया जाए, नाव में आकर के इसको जो भी है उसको घर ले करके चला जाए, लेकिन जो मछली होती है वो पूरा का पूरा जोर खुद ही लगाने लगती है, और साथ ही साथ में जो इतनी बड़ी मछली होती है कि वो पूरी की पूरी बोट को ही ओल्ड मैन के साथ में ही खींच के ले जाती है अपने साथ में। तो होता क्या है कि इस तरीके से जो पूरा दिन होता है वो तो पार हो जाता है, और पूरी रात होती है वो भी पार हो जाती है। तो यहाँ पर लिखा हो ना, सो आउट द डे फिश पुल्स द बोट इवन इन द नाइट एंड सो अनदर डे, इस तरीके से दूसरा दिन भी निकल जाता है और दूसरी अनदर नाइट ट्रू, और दूसरी रात भी निकल जाती है। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि 2 से 2.5 दिन हो चुके हैं, जो ओल्ड फिशरमैन है वो लगातार स्ट्रगल कर रहा है कि किसी तरीके से वो मछली को पकड़ ले, सो दैट कि वो अपनी सोसाइटी में जाकर के उन लोगों का जवाब दे सके जो भी उसका मजाक उड़ा रहे थे, और साथ ही साथ में वो ये भी चाहता है कि ये जो मछली है कितने सारे लोगों का पेट भरेगी। और साथ में ये यहाँ पर ड्यूरिंग द टाइम सेंटिगो जो है वो क्या करता है, इंड्योर्स द कॉन्स्टेंट पेन, और उसके हाथों में अब तो लगातार दर्द भी होने लगा है, और वो जो खाता पीता है वो तो कैसे खाता है कि वो कुछ एक छोटी छोटी मछलियाँ जो होती हैं उनको खा लेता है बस,
और उसके वहीं से उसको थोड़ी सी ताकत मिलती है, ठीक है। इस तरीके से वो अपने दिन, दो तीन दिन उसने वहीं पर ऐसे ही गुजार दिए। अब उसके पास में इतने सारे वूंड्स थे, वूंड्स का मतलब घाव होता है, इन स्पाइट ऑफ ऑल वूंड्स, मतलब कि इतने सारे घाव और घाव होने के बावजूद भी द ओल्ड मैन फील्स अ डीप एम्पैथी। लेकिन जो इतने सारे घाव थे जो कि उस मछली ने इस बूढ़े आदमी को, सेंटिगो को दिए थे, लेकिन फिर भी जो सेंटिगो था वो मछली के ऊपर कहीं ना कहीं सहानुभूति रख रहा था, एम्पैथी रख रहा था, और अपने जो भी उसका काम था एडमायरेशन, मतलब कि जो मछली थी उसकी, उसके जो भी, उसकी भी प्रशंसा कर रहा था कि मछली जो है वो जब अपने जीवन को बचाने के लिए इतना ज़्यादा प्रयास कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे भी अपने जीवन का यापन करना है और मुझे भी उन सारे लोगों को जवाब देना है, तो मुझे भी अपने काम पर जो है दृढ़ संकल्प रहना पड़ेगा और मुझे भी इस मछली को लिए बिना मैं घर नहीं जाऊँगा। तो इस तरीके से फाइनली होता क्या है, यहाँ पर आपको दिखता क्या है कि फाइनली जो सेंटिगो होता है वो क्या करता है, अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा देता है, दो तीन दिन होने के बावजूद भी वो फाइनली क्या करता है, मार्लिन नाम की जो भी बड़ी मछली होती है उसको मार डालता है। और साथ ही साथ में आफ्टर द डेथ ऑफ मार्लिन, अभी जो मार्लिन मछली है वो तो मर चुकी है, और जो सेंटिगो है वो उसको क्या कर देता है, लैशेस कर देता है, और साथ ही साथ में अब जो पूरी बोट है उसको क्या कर देता है, अपने घर के लिए वो बोट को तैयार कर लेता है कि चलो। अब वो काफी ज्यादा एक्साइटेड भी है, यहां पर लिखा गया है सेंटिगो इज एक्साइटेड By the prize, कि अब इसको कितने सारे प्राइज मिलेंगे, मतलब कि इसको प्राइज तो जो भी वो मार्केट में जिस तरीके से बेचेगा उसको कितने सारे प्राइज मिलेंगे, मतलब इसको काफी सारे पैसे मिलेंगे, और साथ ही साथ में ये जो मछली है वो कितने सारे लोगों का पेट भरेगी। तो इस तरीके से पीपल हु विल ईट द फिश, कि कितने सारे लोग इस मछली को खाएंगे, तो इस चीज को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड है। बट उसकी सारी एक्साइटमेंट जो भी होती है वो एक तरफ धरी रह जाती है, क्योंकि जब वो अपनी बोट को अपने घर की तरफ ले जा रहा होता है ना, तभी शार्क्स नाम, यहाँ पर जो एक शार्क्स लिखा हुआ है ना, शार्क नाम की जो छोटी छोटी मछलियां होती हैं जो कि बड़ी होती हैं लेकिन मार्लिन के आगे कुछ भी नहीं होती, वो शार्क्स जो होती हैं वो मार्लिन का फ्लश खाने के लिए उसकी तरफ बार बार बढ़ती रहती हैं। और होता क्या है, अंत में जाते जाते जब तक वो घर पहुंचता जो शार्क्स होती है वो पूरी की पूरी वो मछलियों का फ्लश खा जाती है। इस तरीके से हम देखते हैं जो सेंटिगो है उसने इतना ज्यादा स्ट्रगल किया और उसकी इतनी ज्यादा किस्मत सच में खराब थी कि जो शार्क्स होती हैं वो पूरा का पूरा उसका फ्लैश खा जाती हैं, और घर पहुंचते पहुंचते केवल क्या बचता है, यहां पर लिखा क्या है कि ड्राइविंग ऑफ मोस्ट ऑफ द शार्क्स बट इवेंचुअली द शार्क्स ईट ऑल द फिश ऑल द फ्लैश ऑफ द मार्लिन। इस तरीके से हम देखते क्या क्या है कि जो मार्लिन जो भी मछली होती है इसके पूरा का पूरा जो फ्लैश होता है वो लोग सारी शार्क्स छोटी छोटी जो मछलियाँ होती है वो सारी की सारी खा जाती हैं, ठीक है। फिर आगे क्या होता है कि जो नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, नेक्स्ट मॉर्निंग की शुरुआत में जो समुद्र के किनारे बहुत ही ज़्यादा क्राउड होता है, बहुत सारी भीड़ होती है, और बहुत ही लोग सारे जो होते हैं अमेज्ड फिशरमैन होते हैं जो कि देखने के लिए आए होते हैं, मछली को देखने के लिए आए होते हैं, बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगी होती है, और साथ ही साथ में इवन टूरिस्ट भी आए होते हैं कम एंड सी, और वो लोग क्या देख रहे होते हैं कि एक बिग स्केल्टन, कि किस तरीके से एक जो स्केल्टन है, स्केल्टन का मतलब जो होता है ना कंकाल होता है, तो किस तरीके से एक जो कंकाल है जो कि एक बड़ी मछली का है वो पड़ा हुआ है एक किनारे, और वो ये नहीं देखते कि किस तरीके से जो ओल्ड मैन है कि जो सेंटिगो है किस तरीके से उसने स्ट्रगल किया उस पूरी मछली को वहां से लेकर के आने के लिए, वो ये चीज नहीं देखते। और साथ ही साथ में यहाँ पर जो मैनोलिन है वो क्या करता है, लेकिन उसका इस चीज पे ध्यान जाता है कि दो दिन से सेंटिगो अपने घर पे नहीं था, अपनी झोपड़ी पे नहीं था, और वो दौड़ करके जाता है अपनी जो सेंटिगो की झोपड़ी की तरफ, तो वहां देखता क्या है कि जो सेंटिगो है इन हिज हट, वो अपने झोपड़ी के अंदर है और वो सो रहा होता है। तभी जो बच्चा है जो मैनोलिन है वो क्या करता है, वो एकदम से रोने लगता है। अब वो क्यों रोता है, क्योंकि वो जब देखता है ना, यहां पर क्या लिखा हुआ है कि वो इस वजह से क्राई करने लगता है, रोने लगता है कि ओवर द ओल्ड मैन्स इंजरीज, की किस तरीके से जो भी ओल्ड मैन है उसके कितने सारे घाव हो गए हैं, कितनी ज़्यादा इंजरी हो चुकी है, वो कितना ज़्यादा और भी ज़्यादा इंजर्ड हो चुका है, मतलब कि कितने ज़्यादा वो उसके घाव लगे हुए हैं। तो उस तरीके से वो इन सारी चीज़ों के ऊपर वो रोने लगता है, और वो जो सेंटिगो को एक कॉफ़ी भी ऑफर करता है, तो कॉफ़ी वो सेंटिगो जो होता है वो पीता है, और साथ ही साथ में वो ये बताता है, जो मैनोलिन है वो ये बताता है कि तुमने बहुत ही बड़ा काम किया है सेंटिगो, और मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे पेरेंट्स
फ्रेंड्स जो हैं वो क्या बोलते हैं, वो क्या बोलेंगे। अब तो जो कुछ भी हो मैं तुम्हारे साथ ही मछली सीखना स्टार्ट करूंगा और तुमको ही अपना ट्रेनर बनाऊंगा, ठीक है। तो ही इज गोइंग टू स्टार्ट, यहाँ पर देखिए क्या है, वेट अ मिनट। सो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि ही इज गोइंग टू स्टार्ट फिशिंग विथ सैंटीगो अगेन। उसके बाद में सैंटीगो जो होता है वो क्या करता है, ड्रिफ्ट बैक टू स्लीप अंडर द मार्जिन्स वॉचफुल गेज। और वो जो सैंटीगो होता है वो फिर से सो जाता है, एक बार फिर से सो जाता है। और इस बार जब वो सोता है तो वो अपने ड्रीम से शेरों का सपना देखता है, लॉयंस देखता है अपने ड्रीम के अंदर। और जो मैनोलिन है वो उसको बहुत ही इस तरीके से देखता है जैसे वो घू रहा हो, उसको घूरते हुए देखता है। इस तरीके से जो नॉवेल होती है वो खत्म हो जाती है। सो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि इन दिस वे द नॉवेला डिपिक्ट द मैंस स्ट्रगल विथ नेचर। और यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलता है कि जो यहाँ पर हमको क्या देखने को मिल रहा है कि जो नॉवल में क्या है कि जो भी स्ट्रगल है, किस तरीके से एक बूढ़े आदमी का स्ट्रगल दिखाया गया है एक नेचर के साथ में, उसके सी के साथ में समुद्र को थीम माना गया है, और किस तरीके से उसने कितना ज़्यादा स्ट्रगल किया और वो आखिरी में उसकी जीत भी हुई। हालांकि जो भी मछली थी उसकी उसका सारा फ्लैश दूसरी मछलियाँ खा गई, लेकिन कुछ भी हो वो अपने दृढ़ संकल्प पे वो अड़ा रहा और साथ ही साथ में वो उसको अपने घर तक के लेकर के आया, कुछ भी हो, ठीक है। तो इन दिस नॉवल Hemingway uses several elements, और यहाँ पर हमको कई सारे elements भी देखने को मिलते हैं, जैसे personification आपने पढ़ा होगा, metaphor, symbolism, तो ये सारे जो भी figure of speech हैं, ये सारी भी चीजें हमको देखने को मिलते हैं यहाँ पर कि ये। और इसकी जो थीम्स है वो कुछ यहाँ पर ये भी बताई गई, जैसे कि यूनिटी होना चाहिए, कि किस तरीके से हमें जो यूनिटी जो फिशरमैन का ग्रुप था उसके अंदर यूनिटी नहीं थी, वो एक दूसरे का ही मजाक उड़ाते रहते हैं। और हीरोइज्म, किस तरीके से जो एक ओल्ड फिशरमैन था वो एक तरीके से उसके अंदर हीरो वाली क्वालिटीज थी। मैनहुड, कि हमें हमारे अंदर से इंसानी गुण भी होने चाहिए, जैसे कि जो मैनोलिन था वो किस तरीके से जो सैंटीगो की किस तरीके से देखभाल उसकी केयर करता है, और वो क्या करता है, उसको फूड और क्लोथ्स भी ऑफर करता है। सक्सेस, जो ओल्ड मैन था उसको लास्ट में जाकर के सक्सेस भी मिली, और स्ट्रगल भी देखने को मिलता है हमको, डिफीट और प्राइड, डिटर्मिनेशन एंड डेथ। ये सारी जो भी थीम्स हैं वो इस पूरी नॉवल की मेजर थीम्स में से एक हैं। और साथ में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि लाइक अदर अमेरिकन राइटर्स हेमिंगवे इज फेमस फॉर हिज सिंपल एंड नेचुरल प्रोज स्टाइल। हमको यहाँ पर जो भी पूरी की पूरी जो भी नॉवल है वो एकदम सिंपल वे में ही दिखाई पड़ती है, जो भी पूरा नॉवल है वो इसकी एकदम सिंपल सी स्टोरी है और बहुत ही अच्छी स्टोरी है, पढ़ने के बाद ही मज़ा आ जाती है, ठीक है। हमको उससे कुछ ना कुछ नया सीख को मिलता है कि किस तरीके से हमको अपने काम पे अड़े रहना चाहिए, ठीक है, हार नहीं माननी चाहिए। और द ओल्ड मैन ऑन द सी प्रेजेंट्स हिज यूनिकनेस, और ये जो पूरा प्ले जो भी पूरी नॉवेल है वो एक तरीके से बहुत ही ज्यादा यूनिक भी है, ठीक है। तो इससे पहले की वीडियोस में दोस्तों मैं बता दूं कि इससे पहले की वीडियोस में हम लोगों ने द एम्परर जोन्स, डेथ ऑफ अ सेल्समैन, और साथ ही साथ में Who's Afraid of Virginia Woolf, इन सारे टॉपिक्स को, इन सारे प्लेस को भी कवर किया है। अगर आप चाहें तो सबका वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप कमेंट करेंगे तो उसका मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है। और ये जो पूरा टेक्स्ट है दोस्तों, ये पूरा टेक्स्ट इतना ज़्यादा सिंपल है कि अगर आप चाहें तो इसको अपने जो भी क्वेश्चन के आंसर हैं उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका PDF भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग द स्कारलेट लेटर के बारे में डिस्कस कर लेंगे, ये भी एक बहुत ही फेमस नॉवल है। और आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मीट यू वेरी सून इन अनदर सेशन। कोई प्रॉब्लम हो दोस्तों तो आप उसको ज़रूर से बताएं, और वीडियो कैसे लगी उसके लिए लाइक डिसलाइक एटलीस्ट कुछ करें, जिससे कि समझ में आए कि जो भी मेहनत हो रही है वो सही है या फिर नहीं है, ठीक है। तो Till then, take care, thank you and bye-bye.